तो वो लाइक डॉक्टर बोला, देखते हैं, लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोला कल सोनोग्राफी कराओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब बड़े होंगे। तो गाइस चलो निकलते हैं एग्जाम के लिए, रेडी हो चुका हूँ मैं। तो गाइस चलो निकलते हैं कॉलेज के लिए। गाइस व्लॉग में क्या हुआ रे भाई, नॉर्मली तो डाउनलोड हुआ। गाइस नॉर्मली व्लॉग चल रहा है। पप्पा के फ़ोन में रेंडर हो रहा था, कहीं को हो रहा था कि मैं सोचा मेरा ग्लिच एडिटिंग में कुछ ग्लिच होगी, सोचते तो ठीक है चलो पेन ले लिया, फुल टिकट ले लिया और हेलमेट ले लिया, कैलकुलेटर ले लिया और रेनबो पैसा बन गया। चलो गाइस एग्जाम खत्म हो चुका है। क्या हुआ अनुराग और बोल। मम्मी परसों के व्लॉग के बाद व्लॉग में बोलना है मुझे कहीं को मम्मी ओरिजिनल रहता हूँ, जो ओरिजिनल है वो तो है ही। अब क्या करते, खतरनाक मस्त इजी। एक दिया आउट ऑफ का क्वेश्चन पर देखना, एक क्वेश्चन है गाइस लास्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा मतलब पूरी जितने भी कॉलेज में बंदे थे ना सबसे पूछ लिया, जितने मेरे दोस्त थे सब लोग डाउट में लिख के आए, मतलब जो परफॉर्मा था उस बेस पे करके आया, नहीं आया तो भी ठीक है चलो, मतलब ऐसा है अच्छा गया एग्जाम। गाइज आपका भाई यू नो तीन एग्जाम अच्छे गए, अभी देखते हैं। मैं 90 तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, देखो पहले बोल दे रहा हूँ। अभी कहीं को मालूम, दो एग्जाम है ना, तो अकाउंट्स का थोड़ा है टेंशन, एक थोड़ी बहुत है मतलब, और एक है स्टैट्स उसकी HRM की। HRM क्या है, पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइक क्या बोलते हैं, जनरल सब्जेक्ट ही है, बट देखते हैं जो भी, अभी तक मैं देखा नहीं हूँ सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं मालूम है उसके में क्या है क्या नहीं है, बस वर्डिंग से बोल रहा हूँ मैं। HRM ह्यूमन रिसोर्स उसके ऊपर ही पूरा सब्जेक्ट है, तो देखते हैं। अकाउंट्स भी मेरा नहीं है अभी, 5 यूनिट है, 5 की 5 यूनिट करनी है अकाउंट्स की। ठीक है जान बुझ के, मेरे को एक चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इनकम टैक्स निकाल सकता हूँ तो ये तो लाइक है मेरे, मतलब पहले आप ओए अब पे कर दो। तो गाइस ऐसा है, तो मेरा मेन क्या है, इनकम टैक्स निकाल सकती हूँ तो अकाउंट्स और ये भी कर ले सकते बोल के है कॉन्फिडेंस, तो देखते हैं। असल एक्चुअल में क्या बोलते हो, 4 यूनिट आइडिया है मेरे को, एक यूनिट का आइडिया नहीं है, तो देख। गाइस मैं ब्रेकफास्ट अब कर रहा हूँ सुबह का, सुबह कुछ खा के नहीं गया, मैं उठा भी कुछ, मैं सोया 3:30, पापा लोग उठाए 4:00 पर, मैं उठा ही नहीं, उठा मैं कुछ 6:30 बजे शायद, तो चलो ठीक है ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद एक काम है पापा का वो करके आके फिर सोएंगे मस्त, फिर शाम में पढ़ेंगे अब सीधा अकाउंट्स के लिए। गाइस आज ऐसा था, मेरा एग्ज़ाम हमारे को 3 घंटे का टाइम रहता, पर मेरा एग्ज़ाम 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गया था पूरा। गाइस अभी शाम हो रही और मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही, तो चलो गाइस एक बार बाहर से क्या मूंगफली कितनी लाऊं, पाइया दादा किलो कितनी लाओ, 2 किलो 50 किलो बेटा। तो गाइस चलो खाना बनाते हैं। गाइज एक तो ये प्याज बने किस चीज़ के लिए समझ में नहीं आता, उगाने के लिए बने से प्याज। गाइज ऐसा है अभी मम्मी की तबीयत खराब है तो खाना मैं बना रहा हूँ अभी, अभी शाम हो रही है। ऐसा है मैं आया था एग्जाम से, खाया, खाने के बाद पापा के काम से गया, फिर आया 1 घंटा सोया, फिर पापा के काम से चले गया, अभी आया शाम में नहाया बस, मतलब इतना वो गया था, ट्रैफिक। तो गाइज अभी ऐसा सीन है, पापा मम्मी को लेके गए मैं हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी को पेट में दर्द हो रहा, डोंट नो वाई, तो देखते हैं अभी डॉक्टर के पास गए हैं, आते हैं आने के बाद पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। और गाइज अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा आज पूरे दिन में, तो देखते हैं अगर रात में पढ़ना होता है तो ठीक है, नहीं तो कल पढ़ेंगे आज, मतलब ठीक है रेस्ट चिल मारो। गाइज मम्मी पापा और घर पर आ चुके हैं, तो पूछते हैं क्या बोले पापा, कल एक्सरे कराना है मम्मी का, सोनोग्राफी कराना है, ये रहे हमारी पेशेंट मम्मी। हाँ
सोनोग्राफी कराने का। तो गाइस ऐसा है, मम्मी को पेट में यहाँ कहीं दर्द हो रहा, तो लाइक डॉक्टर बोला देखते हैं, लेके गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोला कल सोनोग्राफी कराओ, शायद गैल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते, शायद रिपोर्ट्स में आएगा वो तो कल मालूम पड़ेगा। मम्मी को डर लगता है ऑपरेशन से। मैं को और मम्मी, मैं ऐसा है आज तक मैं और मम्मी कभी हॉस्पिटल लेगा, मैं भी कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो नहीं रहना। तो गाइस चलो फटाफट खाना वाना मेरे को ही बनाना पड़ता आज, थोड़ा रेस्ट दे लूंगी आज, बस ऐसा है कल रिपोर्ट्स में नहीं आना बाब, मतलब हर चीज़ में डिस्टर्बेंस आ गई पूरा, बेकाम में तबीयत खराब, पैसे खराब। गाइस मम्मी मेरे को बोल रहे थे बोंडे 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 बोंडे, अब बोलो बाहर खाने वालों को नहीं होता सर, मैं तो घर में खाऊंगी। तो गाइस ऐसा है, ऐसा कुछ भी रीजन रह सकता है गाइस, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी मम्मी के ही अभी जो दर्द है ना, ये तो मतलब कुछ भी नहीं, मैं लिटरली ये तो मम्मी इतना दर्द होटले रहता कुछ भी, मेरे को मम्मी का दर्द जो होटे है ना असली लॉकडाउन के टाइम पे, मम्मी को लाइक दांतों का प्रॉब्लम था, फिर सिर दर्द, मतलब क्या क्या, वाह मैं वो सोचता हूँ ना, मतलब ऐसा काँप जाता हूँ मैं एक बार के लिए। कभी मैं जिंदगी में किसी को इतने बड़े छाले नहीं देखा जितने मम्मी के देखा मैं, जीप पे इतने छाले हो गए थे मम्मी को एलर्जी, पहले तो दांत निकले सोते मम्मी के, फिर उसके ऊपर छाले हो गए, बहुत मतलब बहुत दिक्कत हुई थी, फिर तबीयत खराब, हाँ माइग्रेन की शिकायत भी आ गई थी मम्मी को, डेली सिर दर्द होता था, दांत का पेन और छाले, और फिर मम्मी को और एक बीच में कुछ और एक बीमारी हुई थी पेट में, मतलब बहुत बहुत वो दवाई इतना हुआ, बस मम्मी मतलब ऐसा था लॉकडाउन ज़्यादा परेशान इस चीज़ की वजह से भी हुआ, ज़्यादा ये दिक्कत थी लॉकडाउन में मेरे को, और भी थी बट ये बोलते थे हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं, पैसे तो चलो चलते रहते ऊंच नीच, बट हेल्थ अच्छी रहना कभी भी, उसीलिए आपका भाई हमेशा अच्छा रहता। तो गाइस ऐसा है चलो होते रहता छोटे, मतलब लाइफ है, देखते हैं कल क्या आता है रिपोर्ट में। गाइस दुआ करो कुछ भी नहीं आना रिपोर्ट में, मैं तो बोल रहा हूँ मम्मी को कुछ भी नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ पूरा। तो गाइस मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मम्मी को अभी कुछ भी नहीं है, मैं एक्चुअल में फैट है, मम्मी को इससे पहले भी एक बार हुआ था ना, कैसी फुला था ना एक बार हुआ था मम्मी, नहीं हाथ नीचे की हाथ नीचे की सकी दिख रहा, ठीक है रे भाई चिल मारो कुछ भी नहीं है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मैं रखे हुआ रो रहे को। मैं तो रो रही ना आपके दिख रहा रो रहे बोल के। गाइस मम्मी रो रहे इमोशनल हो रहे, कुछ भी नहीं है क्या होता मम्मी का कुछ भी नहीं होता, पर लिटरली क्या होता डॉक्टर भी मना करा कर है तो भी दवाइयों से ठीक करेंगे बोला, दवाई लिए लाए दवाई लिए खाना खा लो बने सो है। तो गाइस मैं पहले सोचा था रोटी सब्जी बनाऊं बट मैं चावल ही बना दिया, मतलब ठीक है खट्टे चावल बना दिया भाई, मतलब इतनी वो होगी प्याज तो रुला दिए मेरे को, एक्चुअली ऐसा है मम्मी को टमाटर नहीं खाना और दाल नहीं खाना क्योंकि वो स्ट्राइड उसकी शिकायत है ना, तो मैं पूरे अवॉइड कर दिया, तो नॉर्मल खट्टे चावल बनाया तो ठीक है सिंपल। पेशेंट हमारे मम्मी, खाना खा लीजिए आ जाओ मम्मी। मम्मी को गाइस यहाँ वो थोड़ा थोड़ा बचे से मम्मी को वो टेंशन है, वहाँ कवर लगा दिया, टेंशन नहीं है तबीयत की क्या। एक तो गाइस मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस टाइप के लोगों से आता मालूम, स्टडीज़ को लेके, मेरे नॉलेज मेरी स्टडीज़ को लेके बता रहा हूँ, किसको लेके आता हूँ, जिसके पास नॉलेज है और उन्हें शेयर नहीं करता ना, सबसे गंदा आदमी दिखता हूँ। दुश्मन हो कौन ही शेयर करे, दुश्मन दोस्त उनके शेयर नहीं करते थोड़े, वो तेरे को दोस्त लग रही है वो दुश्मन होते हैं। गाइस ऐसा नहीं लाइक मेरा पर्पस क्या है, मतलब अगर मेरे को कुछ आता मेरा कोई दोस्त फोन करता मैं उनको समझा तू अरे भाई ये ऐसा ऐसा कर, मतलब गलत है अगर कोई आपको फोन करा हेल्प के लिए तो उसकी हेल्प करो, मेरा तो ऐसा सीन है देखो कोई भी मेरा दोस्त हेल्प करा सब समझा तो उसको कॉल कर, अगर कॉल करा मेरे को नहीं आता जो जितना मैं कहता समझा देता आगे वाले, वो तेरे संस्कार ऐसा है मैं उसके संस्कार हैं माँ बाप मेरे साथ मेरे कुछ रिसेंट में जो एग्जाम कल हुआ था ना मेरा उस चक्कर में मेरा एक डाउट के लिए मैं फोन करा था थोड़े जनों को, बट ठीक है मैं बोला ठीक है कोई ना, जब माँ बाप के संस्कार दिखा बेटा ऐसा नहीं मेरे को तो ऐसे माँ बाप अच्छी शिक्षा देंगे, थोड़े जने रहते हैं कि अरे इन्हें लाइक इसको कहीं को बोलूँ मैं गलत है, अगर कोई आपके मदद से मेरे को तो मम्मी पापा एक ही बात बोलते अगर कोई तेरे पास फोन कर रहा मदद के लिए तो मदद कर जितनी हो सकती उतनी कर, नहीं हो सकती मदद ऐसी कोई मदद भी रहती जो नहीं हो सकती उसको हौसला दे उसको।
गाइस बोलते हैं ना हर टाइप के लोग आ रहे थे अलग अलग एंटी का छोड़ो। तो ऐसा है रहते थोड़े दिन मैं रिसेंट में हुआ मेरे एग्जाम अभी कल के एग्जाम में हुआ था मेरे साथ लाइक मैं थोड़े दिनों को कॉल करा मेरे दोस्तों को दोस्तों क्या है मतलब ऐसा बोलते हैं नॉर्मली मैं एक्चुअल में डाउट्स आते नहीं मैं कैसा मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता कभी भी मेरा स्टार्टिंग से ऐसा एग्जाम्स में भी मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता किसी पे भी मेरा खुद का पढ़ा अगर हाँ ऐसे बोलते तो कभी कभी डाउट आ जाते हैं मैं फर्स्ट टाइम था मेरा डाउट ये उसमें आने का ठीक है पूछे नहीं बताए लोग तो उनकी भाई देखो अपना अपना रहता अब मेरा नेचर अलग है आगे वाले का नेचर अलग है तो चलो कोई ना कोई देखो भाई गाइस ऐसा है मैं तो यही एक बात यही ही सोचता हूँ कोई देख रहा नहीं देख रहा ऊपर वाला सब देख रहा तो ठीक है कभी ना कभी तो आगे वाले को भी रियलाइज होएगा बट मेरा ऐसा है देखो नॉलेज एक ऐसा एसेट है जो आप कितना भी शेयर करो आपका बढ़ता अब मैं किसी को कोई मैसेज पूछता ना आई फील लाइक हैप्पी कि मेरा मेरे को और आ रहा उसकी वजह से लेकिन मैं परफेक्ट हो रहा हूँ वो चीज़ में वो थोड़े जनों की चीज़ों अलग अलग थिंकिंग रहती है अब मेरी तो थिंकिंग ऐसी अगर मेरे को कोई पूछ रहा तो आई एम गेटिंग परफेक्ट इन दैट टॉपिक थोड़ा यू नो सेंस लगा के सोचना कभी भी तो चलो छोड़ो गाइस खाना वगैरह खाते हैं क्या हुआ मम्मी खाना खा लो मम्मी कपड़े कौन से करो बोले आपको कुछ भी पप्पा देखो पप्पा ये रे रे बाल क्या नहीं कर रहे मम्मी मम्मी आपका परसों वाली वीडियो क्या थी मम्मी इंग्लिश बोल के दिखाओ मम्मी खाना खा लो खामोश दवाई ले लो गाइस खाना खा के दवाई ले लो बोल रहा हूँ मैं तो बेकाम थोड़े आराम हो जाता और तो क्या दर्द हो रहा बना दिया मम्मी खाना तो इधर लेके आ क्या लेके आऊं हाँ खा लेना रहता भूख लगने वाला उच्चा ना को बोलो मम्मी से आज बाहर बारिश हो Guys, it's again drizzling. मतलब अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुकी फिर अगेन इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे गाइस चलो खाना खाते हैं मम्मी फाइनली खाना खा के दवाई लेके सो जाते अच्छा तो गाइस चलो डिनर वगैरह तो हो चुका है तो फटाफट सोते हैं व्लॉग एडिट करते हैं गुड नाइट पापा गुड नाइट गाइस अभी टाइम हो रहा सुबह के 7:30 तो ठीक है ऐसा था मैं 4:30 तक तो पढ़ रहा था फिर 6:30 तक व्लॉग एडिट हुआ फिर अभी व्लॉग डाउनलोड पर डाल के नींद लग गई थी तो अभी उठा फटाफट व्लॉग अपलोड करके अब सोना है बस तो ठीक है गाइस आज के व्लॉग करते हैं एंड अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो कल मिलते कल आपसे व्लॉग में बाय बाय टेक केयर स्ट्रीम्स बाय I don't wanna see you